गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो यहाँ पे सोके उड़ते ही मिल गया आज मुझे जबरदस्त सरप्राइज, और सरप्राइज दिखाती हूँ मैं आपको क्या रखा है करके सुबह सुबह। आज ला रही हूँ अपनी मातेश्री से, और सुबह सुबह आज सैटरडे था, मम्मी की ऑफिस की छुट्टी थी, तो सुबह सुबह मम्मी पहुँच गई है पिथौरागढ़ से यहाँ, और बना दिए हैं आते आते मम्मी ने हमारे लिए माड़े और सब्जी, और लेके आई है ये हल्द्वानी की, कहाँ की, अल्मोड़ा की फेमस मिठाई है, इसको कहते हैं सिंगौड़ी, बट ये अब पिथौरागढ़ साइड में ही मिलने लग गई है, तो आज हम हमारे लिए ये लेके आ रखी है, और साथ में मतलब हमने तो खाई थी लेकिन लेके आ रखी है वरदान भैया के लिए, और वरदान भैया के लिए लेके आ रखी है मम्मी दो चॉकलेट है, पता नहीं इतने बुढ़े को पता नहीं मम्मी ने कैसे बच्चा समझ लिया कि लेके आई है चॉकलेट है। तो पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद भैया को दिखा बताऊंगी कि इसका टेस्ट कैसा होता है, ये टेस्ट करके बताएंगे भैया कि इसका टेस्ट एक्चुअल में कैसा है करके, ठीक है, डन। और वरदान भैया आए हैं हमारे यहाँ, तो हम उन्हें खिला रहे हैं अपने उत्तराखंड का खाना, तो उत्तराखंड के खाने मिल गया है, उत्तराखंड के खाने में भैया को आज हम खिला रहे हैं माड़े, चावल की रोटियां जिसे बोलते हैं। सो अभी जा रहे हैं वरदान भैया और मैं खटीमा मार्केट थोड़ा सा शॉपिंग करने, भैया को ले जानी है शॉपिंग, भैया को शॉपिंग करनी है अपनी वाइफ के लिए थोड़ा सा, तो हम जा रहे हैं अपनी लोकल मार्केट खटीमा में, और देख आके दिखाती हूँ आपको कि हम वहाँ से क्या क्या खरीद के लेके आए हैं, चले चलो। यहाँ पे कर रहे हैं भैया स्कूटी स्टार्ट, क्योंकि आज की सवारी है हमारी ये खटीमा जाने के लिए, और उससे पहले हम खटीमा की शुरुआत करने से पहले अपनी गाड़ी को खिला देते हैं यहाँ पे खाना, ये काफ़ी टाइम से भूखी है, और ये हम पहुँच चुके हैं खटीमा मार्केट, खटीमा के भी हम हैं मेन चौराहे में, और चौराहे से ना भैया हमें उस साइड को जाना है वो वाली रोड में, अरे साड़ियाँ लेने के लिए, हाँ तो इधर से ही टर्न करो, ये हमें वहाँ खटीमा में भी अब काफ़ी ट्रैफिक है, बस एक साइड में उधर को रोक दो, मैं करूँगी कुछ शॉपिंग अपनी यहाँ से, और ये मेरी बहन साड़ी लेने के लिए आ चुकी है, अंदर जा रही है, मैं इसकी हेल्प कराता हूँ। तो होली वाली साड़ी ऑफिस में दे दी है, इसके हिसाब से कहाँ चलेंगे, ये ले आओ, ये वाले देखो, तो फिर आप ये ले आओ ना, ऑफिस वाले हैं ना, ये ले आओ, ये धोखे में बड़ा सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होगा छोटो, वो भी सही लग रहा है इसके नीचे वाला, ये हाँ ये किस रेंज में, इसी में दिखा देता हूँ मुझे, ये अच्छी लग रही है, ये है ना, हाँ हमारी सरीना की साड़ी का ट्रायल लेते हुए, मैं अपने लिए नहीं भाभी के लिए, हाँ अपनी भाभी के लिए ट्रायल लेते हुए, पहन के दिखा देते हैं वो कैसी लग रही है, ये हमारे खटीमा की फेमस पहाड़ी साड़ी है, पहाड़ी नहीं भैया नेपाली साड़ी है, अच्छा नेपाली साड़ी है, थोड़ा और पीछे जाना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खाना फिट भी अच्छे से बैठते हैं, अगर किसी की पार्टी वार्टी में पहनोगे तो उतना वो नहीं लगेगी, बस हो गया, और यहाँ से कर लिया हमने फाइनल शॉपिंग, और यहाँ से कर लिया हमने आधी शॉपिंग, और बाकी शॉपिंग हम आगे थोड़ी आगे से करेंगे, अब भैया को कराऊंगी यहाँ से थोड़ी सी पेट पूजा, उसके बाद बाकी की चीजें देखेंगे भैया, फिर देखेंगे काम पूजा, और ये देखो मेरी बहन मेरी पेट पूजा कराने लाई और खुद आगे बढ़ के चल दी, समझ नहीं आ रहा कौन किसकी पेट पूजा कराने लाया है यहाँ पे, ये यहाँ का फेमस पिज्जा रेस्टोरेंट है ज़ा पिज़्ज़ा, यहीं बैठ लेते
किसी ने अपना नाम भी रखा है करण धामी, ओ करण धामी ब्लॉग किसी ने अपने निशानी प्रमोट, किसी ने अपने आपको प्रमोट भी किया। देखो यूट्यूबर भी यहाँ पे चक्कर काटते हैं अपने अपने चैनलों के नाम लिखते जाते हैं। यहाँ पे भैया और मैं वेट कर रहे हैं अपने पिज्जा का, उसके बाद करते हैं बाकी की शॉपिंग। और ये भैया लेके आने लग गए हैं अपना। वाओ 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 इसी। और ये है मेरे मोटे होने का राज, चोकोलावा विथ आइसक्रीम। और ये है भैया का मोटे होने का राज, पिज्ज़ा। आई डोंट लाइक पिज्ज़ा एट ऑल, आई लव इट। मैं कैसा है अभी तक खा नहीं। अब हमने खा लिया है यहाँ पे भैया और मैंने पेट भर के। अब हम यहाँ से निकलते हैं अपनी बची हुई बाकी की शॉपिंग करने। भैया कैसा लगा? अभी कौन सी शॉपिंग करनी है? थोड़ी सी शॉपिंग और करनी है। कैसा लगा पिज़्ज़ा यहाँ का? पिज़्ज़ा पची है मेरा शॉपिंग सुन के। अरे यार शॉपिंग करनी है बहुत टॉप का था। अच्छा है इसका खटीमा, अगर आप आते हैं तो इधर जा पिज्जा जरूर आए। मुझे इसका ना बेस अच्छा लगा, मोटा नहीं है, अच्छा बेस है। मुझे चीज़ अच्छा लगा, कंजूसी से नहीं डाला, बाकी डाला है। नहीं मुझे बेस भी पतला लगा इसका। तो निकले अब, ये हैंड टोस्ट भी यूज़ करते हैं ना कि वो रेडीमेड बने बेस आते हैं। चले अब घर मार्केट को चलो। हाँ और अब हम यहाँ से लेते हैं थोड़ी सी सब्जियाँ घर के लिए, फ्रेश सब्जियाँ। बहुत बड़े दिल की है मेरी बहन, बिल्कुल भाव तोल नहीं करती, जो रेट बोला उस रेट में ले लिया। ये आए थे मेरे बिठौला, तो मुझे भाभी के लिए भी कुछ ना कुछ भिजवाना था, क्योंकि हमारे उसमें रिवाज भी होता है। और मतलब भैया आए तो फिर भाभी के लिए कुछ ना भिजवाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भाभी के लिए मैंने लिया है एक ये वाला सूट का कपड़ा, तो ये ऑल ओवर सूट का कपड़ा है, लाइक ऊपर का भी सेम और नीचे का भी सेम, ऊपर का कुर्ता भी सेम बनेगा और सलवार भी सेम बनेगा। एक ऐसा ही सूट मेरे पास भी है जो भाभी को बहुत पसंद आया था, तो भाभी ने मुझसे बोला था ये वाला सेंड करना, तो मैंने उनको ये वाला भिजवाया है। और ये भैया लेके आए हैं अपनी वाइफ के लिए एक प्यारी सी साड़ी, जो कि बहुत सिफोन टाइप की है शायद, और सॉफ्ट है, अच्छी है साड़ी। सिफोन मिक्स है नेपाली। तो ये दो शॉपिंग में भाभी के लिए करके लेके आई हूँ। और मेरे साथ हो गया है बहुत बहुत श्यापा। और श्यापा हुआ क्या है कि जो मेरी सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या थी, तो वो दिनचर्या मैं दिखा रही थी, और शाम को जस्ट डिनर के बाद मेरे को लगा कि अब मैं अपना एडिटिंग करती हूँ। और एडिटिंग करते करते मेरे साथ, भैया हंसो मत यार, मेरे को दुख हो रहा है, मेरे को एडिटिंग करते करते मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हुई ना, कि मेरा ना जो जिसमें मैं एडिटिंग कर रही थी, तो उस ऐप से मेरा वीडियो डाउनलोड नहीं हो रहा था, तो वो मतलब स्पेस कम था। एक्चुअली मेरा 56 GB अभी, तो स्पेस कम था, तो उसने मेरे को वो आगे की जितनी वीडियो है डिलीट करो वो करके सजेशन आ रहा था कि कैच मेमोरी जो है आपकी वो रिक्वायर्ड नहीं है करके। तो उन्होंने ताजा वीडियो ही डिलीट कर दी। ताजे वीडियो नहीं, मुझे लगा कि वीडियो तो एडिटिंग हो चुकी है मेरी, मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी तो एडिटिंग में वो सेव हो चुकी थी, तो मुझे लगा वो मेरी वीडियो तो सेव हो गई है, अब मैं बाकी की जो अभी मैंने जो डिलीट वो करी है एडिटिंग करी है उसके कंटेंट को डिलीट कर देती हूँ। वो मैंने डिलीट करी और वो डिलीट करने के बाद वो जो जहाँ पे वो सेव हुई थी ना एडिटिंग के पेज पे, वो वहाँ से भी वो कंटेंट मेरा पूरा साफ हो गया। तो आज की मेरी पूरी मेहनत चली गई है बिल्कुल पानी में, और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि खटीमा से आई हूँ और खटीमा से घर आने के बाद मैंने क्या किया है, उसके बाद शाम को मैंने अपना रूटीन क्या है, वो सारा चीज़ उड़ गई है। सो आज के लिए बहुत बहुत सॉरी। आई होप आप ये चीज़ें समझ पाएंगे कि यार कभी कभी एडिटिंग करने में ना सच में गड़बड़ हो जाती है। और आज ये सब कुछ करने से ना मुझे भी एक चीज़ का ज्ञान मिला है कि जब तक आपकी पूरी एडिटिंग ना हो जाए तो आपको अपनी ओरिजिनल वीडियो को डिलीट नहीं करना चाहिए। और एक बात, वो जो कहावत आप लोग सुनते हैं कि मती का फिर जाना,
मैंने आज देख लिया और आपको एक्सपीरियंस करवा भी दिया। तो मत्ती दिमाग का फिर जाना कहते हैं, मत्ती का फिर जाना वो यही होता है कि दिमाग कहीं और था। हम आदि शॉपिंग करके आई खटीमा से, और खटीमा से आने वाली जो मेरी वीडियोस है ओरिजिनल वीडियो, आधा ब्लॉग मेरा खत्म हो गया, मतलब पूरा। पहले बहुत 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 दिल से सॉरी, और मेरा तो मुझे तो सच में आज बहुत बुरा लग रहा है कि इतनी मेहनत करो आप सुबह से लेके शाम तक, और उसके बाद एक मेहनत में आपका मतलब ऐसे पानी फिर जाए तो बड़ा बुरा लगता है कि आप पूरा 2 घंटे लगाए मैंने एडिटिंग के लिए, और उसके बाद लास्ट में जब एडिटिंग ही उड़ गई पूरी तो बड़ा आज बड़ा फील भी हो रहा है मुझे। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं आपको क्या दिखाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं सच बोल देती हूँ, आज मेरे साथ ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई है। आज मेरा जितना कंटेंट था वो आधा कंटेंट तो रह गया और बाकी का सारा कंटेंट उड़ गया है। तो नेक्स्ट टाइम से मैं गौर करूंगी कि ये सारी चीज़ें मिस्टेक ना हो पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हुए। सो गुड नाइट एवरीवन, बाय।